मूस की मजदूरी नागा लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है, उस समय आदमी के पास धन नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उन धान की प्यारी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही है, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मूस को भला क्या ऐतराज था, वह सर सर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ही ले लो। पर मूस ने कहा, भाई, मेरे मैं ठहरा छोटा जी, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा? इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूंगा। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।